अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाकिस्तान ऑफिशियल और मैं हूँ आपके साथ शेयर। तो जी आज की हमारी ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जोंग यूज़र के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए जिनसे उन दोस्तों को 4 GB तक का फ्री इंटरनेट जो वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन होगा उसे भी क्लिक करके ऑल कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मौसूल हो सके और आप भरपूर फ़ायदा उठा सको। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज़। तो जी ये है मेरा चैनल, लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं आपको डायल पैड पर लेकर काम कैसे करना, वो कोड क्या है और उसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं आ गया अपने मैसेज बॉक्स में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये 64 से ये मैसेज आया मुझे कल। मैंने कल ये लगाया था लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ आपके सामने। ये देखें यहाँ पर ये लिख के आ गया यस्टरडे, मतलब कि पहले मैंने कोड मिलाया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने 4 GB फ्री ऑफ़र के लिए अगले 30 दिन के लिए हासिल कर ली है। तो उसके बाद मैंने दोबारा मिला है, दोबारा उसने कहा योर कमांड इज़ रॉन्ग। ये मैंने दूसरा कोड मिला था, अभी मैं आपको उसका कोड मिला के चेक कराता हूँ कि हमें वो कैसे मिली थी MB। तो जी मैं अपने डायल पैड पर आ चुका हूँ, तो अभी मैं आपको कोड वो बताता हूँ कि हमने वो कौन सा कोड डायल करना जिससे हमें एक मंथ के लिए 4 GB फ्री मिलेगी। तो मैं आपको ये कोड बताता हूँ, हमने सिंपली जोंग के सिंपल *400# डायल करना है क्योंकि मैं ये पहले ले चुका हूँ और ये मुझे अभी नहीं मिलेगी MB। तो ये एक बार ही आपको मिलेगी इंशाल्लाह, ये हर सिम पर वर्क करेगी। तो आप ये लाजमी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यही कोड है, इंशाल्लाह आपका ये कोड लग जाएगा। अगर लग जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर ना लगे तभी बता देना। तो इंशाल्लाह कोई नई ट्रिक के साथ हाज़िर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।